रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनि वर के साथा बोलो तुल्हा राम की जोरदार जयकार लगाए बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए अब बिल्कुल शांति से कथा सुने, एक एक चौपाई की आनंद आएगा। भगवान श्री राम उस धनुष यज्ञ भूमि में पधारे, बंदी जनों की आज्ञा हुई। बंदी जनों ने कहा हमारे महाराज की आज्ञा है, हमारे महाराज की आज्ञा है, जो राज समाज में इस धनुष को तोड़ देगा हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। बेनई बेचार बरई हटते ही, जो धनुष तोड़ देगा उसको हमारे महाराज बिना विचार की जयमाला डलवा देंगे। और जैसे ही राजाओं ने सुना, जैसे कुंभ में देखा भीड़ होती है, बागेश्वर बालाजी में जाओ, एक चढ़ता एक होता, इतनी भीड़ होती है मंगलवार को। महामना एक्सप्रेस आती है मंडली बामोरा में, मंगलवार को देखना ही बनता है, हजारों की भीड़। जैसे ही राजाओं ने सुना कि आज्ञा हो गई, तो परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे चले इष्ट देवन सरनाई, चले इष्ट देवन, चले इष्ट देवन सरनाई। बोलो दुधाराम की। जैसे ही राजा ने सुना तो परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सरनाई। और राजा अपने अपने इष्ट का आवाहन करता है, हे भगवान गणेश जी हमसे धनुष टूट जाए, हे भगवान गणेश जी हमसे टूट जाए। वो हमसे ना टूटे तो बगल वाले से बिल्कुल ना टूटे। एक कहता है ब्रह्मा जी, आजकल मानसिकता है लोगों की, एक कहता है ब्रह्मा जी हमसे टूट जाए, वो हमसे ना टूटे तो पीछे वाले से बिल्कुल ना टूटे। एक राजा कहता है भगवान नारायण हमसे टूट जाए, वो हमसे ना टूटे तो बगल वाले से बिल्कुल ना टूटे। एक कहता है भगवान शंकर हमसे टूट जाए धनुष, वो हमसे ना टूटे तो पीछे वाले से बिल्कुल भी ना टूटे। मानो सारे राजा यही कह रहे थे कि धनुष टूटे ही ना। एक एक करके राजा परेशान हो गए, जब परेशान हो गए, जब परेशान हो गए धनुष नहीं टूटा, तुलसीदास जी महाराज की लेखनी देखी। सब लोगों ने आपस में विचार किया, दादाजी सब लोगों ने विचार किया, देखो भैया अब हम लोग एक एक करके नहीं तोड़ पा रहे। अच्छा एक बात और बताओ कि धनुष उठा क्यों, क्या कारण रहा धनुष ना उठने का। तुलसीदास जी ने कहा धनुष भगवान के समान ही पूजनीय वंदनीय है, और राजा लोग भगवान के पास अभिमान लेकर जा रहे थे। अगर हम भगवान के पास अभिमान लेकर जाते हैं तो भगवान उठने वाले नहीं। ऐसे धनुष नहीं उठा। राजाओं ने तुरंत आपातकालिक बैठक करी, तुरंत इकट्ठे हो गए, कहा भैया एक काम करो, हम लोग एक एक करके नहीं तोड़ पा रहे तो सब मिलके तोड़ो। कुछ बुद्धिमान राजा भी थे, बुद्धिमान राजा बोले कि भैया देखो मिलके तोड़ेंगे, पर सीता तो एक है और हम लोग 10,000 हैं, फिर क्या होगा। अदम्भी किस्म के राजा बोले सो क्या हुआ, सीता एक है हम 10,000 हैं। फिर बोले एक काम करो, पहले सब लोग धनुष को तोड़ो। बोले फिर धनुष टूट जाएगा। बोले फिर बोले अपनी अपनी तलवार निकालो, फिर आपस में युद्ध करो। फिर लड़ते लड़ते मरते मरते कटते कटते आखिरी में जो एक बजे का उससे विवाह हो जाएगा सीता जी का। बोलो दूल्हा राम की। ऐसे दम भी राजा, एक राजा बोला देखो भैया काय को चक्कर में पड़ते हो, भगवान श्री राम सीताराम बैठे हैं, इनका दर्शन करो कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं, एक साथ मिलकर तोड़ो। भूप सहस्र दस
कई बारा भूप सहस दस भूप सहस दस कई बारा भूप सहस दस सहस दस कई बारा भूप सहस दस लगे उठावन तरई न तारा लगे उठावन लगे उठावन सारे राजा एक साथ लग गए भूप सहस दस एक ही बार आ लेकिन फिर भी धनुष नहीं उठा। बड़े ध्यान से प्रसंग को सुने, ये सौभाग्य फिर नहीं मिलेगा। और इतने सिद्ध हैं हनुमान जी महाराज, हमने अनुभव किया है इस स्थान की बड़ी महिमा है। सुनाई देते हैं, चलो हम पिछली बार यहां कथा करने आए थे, एक बात सुनो हनुमान जी व्यासपीठ से। हम कोई ज्यादा बड़े कथावाचक नहीं है, ना कोई राष्ट्रीय लेवल के कथावाचक हैं। जो गुरु कृपा से प्रसाद मिला है हम आपको सुना देते हैं। और पिछली बार कोरोना जैसी महामारी में हम यहां कथा करने आए और हमारी दो लड़कियां हैं, दो बेटी हमारी, और बीच में एक नौ महीने में लड़का हुआ था, वो पेट में ही समाप्त हो गया। तो चार पांच साल से हम थोड़े दुखी रहते थे। और जब हम आए और हनुमान जी से हमने प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, जब तक हमारा जीवन है हम बैरामपुर में कथा सुनाएंगे, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो पिछली बार संक्रांति के पर्व में हम हनुमान जी से अर्जी लगा कर गए थे और 22 नवंबर मंगलवार के दिन हमको पुनः पुत्रतन की प्राप्ति हो गई। बोलो बैरामपुर धाम की। एक साल नहीं हो पाया, हमने अनुभव किया हनुमान जी का, हमने अनुभव किया बैरामपुर धाम का। और बताएं मंगलवार के दिन 12 बजे इतने सिद्ध हनुमान जी हैं, हमने तभी से संकल्प कर लिया कि जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमें कथा कहने का सामर्थ्य है, हम बैरामपुर धाम में छोड़ छोड़। धन्य है बाबा। इतने से हनुमान जी हैं बैरामपुर धाम, और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि पाठक जी अब आपको कुछ संतान आगे नहीं होगी, लेकिन धन्य है बाला।
और क्या प्रमाण है आपके लिए? सच्चे मन से जो हिंदू की शरण में जाता है उसका कल्याण हो जाता है। हम कहना नहीं चाहते थे, हम लग रहा था कहेंगे तो हम पर कथा नहीं भूल पाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। क्षमा करना, भाव में डूब गए हैं। भगवान की भाई की कथा हो रही है, क्या करें महिमा गाने से हम नहीं रह सके। बैरामपुर हनुमान जी की बोलो, बैरामपुर धाम की।